हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। माय सेल्फ डॉक्टर कुलदीप सिंह यादव। आई एम एन MBBS ग्रेजुएट फ्रॉम पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया। करंटली आई एम डूइंग माय इंटर्नशिप एट सेवाश्रम हॉस्पिटल भरूच। तो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम की थी और आपको आप अपकमिंग FMG या फिर NEXT जो भी एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अंधाधुंध पढ़ाई। अंधाधुंध पढ़ाई से मेरा मतलब ये है कि प्लीज डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट अ स्ट्रेटेजी और अ टाइम टेबल। क्योंकि होता क्या है, जब एक बार हम पढ़ने बैठते हैं तो थोड़े टाइम के लिए तो फोकस रहते हैं, उसके बाद होता क्या है, हम फ्यूचर के लिए इनसिक्योर हो जाते हैं कि कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेडिसिन कब स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन गायनी भी बाकी है, सर्जरी कब से लेंगे। यही सब कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है और इसी वजह से जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो पूरा फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए पहले से ही अपना टाइम टेबल सेट कर दीजिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ डे तो टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए, और इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ वीक और अ मंथ तो कौन से सब्जेक्ट कब लेने हैं और कितने टाइम में कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे वो नोट डाउन कर लीजिए। इसे एक प्लस पॉइंट और क्या है कि आपका फोकस बना रहेगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि इतने टाइम में मेरे इतने सब्जेक्ट हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 2, चिपकू बंदर। दैट मींस टू मच फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। मैंने देखा है काफी सारे जो मेरे दोस्त थे वो बरसों से लगे हैं फिजियोलॉजी को रीड करने में। अरे भाई, एक ही सब्जेक्ट पे इतना फोकस करोगे तो बाकी के सब्जेक्ट कब कवर करोगे। हर सब्जेक्ट को अपने मार्क्स और सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंस देना सीखिए। एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एक ही सब्जेक्ट को इतना टाइम मत दो कि एग्जाम आते तक आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ देना पड़े। हर सब्जेक्ट इतना तो कर ही लो कि आपको जनरल आइडिया आ जाए। थर्ड मिस्टेक इज जंपिंग जोकर। एक्चुअली होता क्या है, जब हम नोट्स में से पढ़ते हैं तो उसकी इमेज मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। अब एक नोट्स में से पढ़ोगे तो वही टॉपिक एक ही इमेज मेमोरी के रूप में याद रहेगा, पर वही टॉपिक अगर 5 नोट्स में से पढ़ोगे तो हमारा ब्रेन एक ही टॉपिक के 5 इमेज मेमोरी सेव करेगा। और जब एग्जाम टाइम आएगा तो होगा क्या, हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि एक ही टॉपिक के हमारे ब्रेन में 5 इमेज मेमोरीज है, तो ब्रेन अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद की नोट्स बनाएं और जो भी अलग अलग टीचर्स की नोट्स है वो पढ़ के जो भी पॉइंट आपकी नोट्स में नहीं है उसमें ऐड कर दीजिए। उससे होगा क्या, जब इमेज मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर होगी तो हमारी लिखी हुई जो नोट्स है वही एक ही इमेज मेमोरी हमारे ब्रेन में रहेगी और एग्जाम के टाइम पे वो इजीली रिकॉल हो पाएगा। नेक्स्ट इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। देखो, दोस्त दो टाइप के होते हैं, एक जो आपको ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं और दूसरे जब आप खुद से ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आपकी टांग खींचकर नीचे गिरा देते हैं। अगर मैं मेरा ही एग्जांपल दूं तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मेरे काफी दोस्त मुझसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने रिवीजन भी मेरे से कई बार ज्यादा किया था, पर जब MCI का रिजल्ट आया तो लकीली मैं पास हो गया और वो लोग पास नहीं हो पाए। तो मेरा पॉइंट ये है, आप ये मत देखो आपका दोस्त कौन से सब्जेक्ट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, दिन में कितने घंटे पढ़ रहा है। चाहे आप दिन के 20 घंटे ही क्यों ना पढ़ते हो, अगर आप फोकस नहीं हो, आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं है, तो जो बंदा 6 घंटे या 4 घंटे दिन में पढ़ता है पर उसका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में है तो वो बंदा आपसे डेफिनेटली ज्यादा स्कोर कर पाएगा। इसीलिए अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो, खुद की कॉम्पिटिशन खुद से करो। और लास्ट पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। जनरली हम बस, ट्रेन या प्लेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे बंदे के हाथ में हमारी लाइफ की गारंटी दे रहे हैं जिसे हम ना तो पहले मिले हैं या फिर ना ही जानते हैं। क्या बस, ट्रेन और प्लेन के ड्राइवर को आप जानते हो? तो जब उनको नहीं जानते फिर भी उन पे विश्वास करके हम ट्रैवल करते हैं तो ये तो अपने आप की बात कर रहा हूं मैं, खुद पे तो विश्वास कर ही सकते हैं ना, वो तो जन्म से ही हमारे साथ है। सो जस्ट रिमेम्बर माई वर्ड्स,
आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर कॉन्फिडेंस। और हाँ सुनो सुनो, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा, थक जाते हो, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक से यूट्यूब लाइव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम साथ में पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम होगा स्टडी विथ मी लाइव, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से और लंबे समय तक स्टडी कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मिलते हैं।